जाना चाहूँगा गुड़ी पड़वा का जो फेस्टिवल है उसको दिखाया जा रहा है शो में, तो आप कितना फॉलो किया है इस फेस्टिवल को जब से आप हैं यहाँ पे, और क्या करना चाहेंगे? महाराष्ट्रियंस का एक न्यू ईयर होता है या मुझे ये इस बार ही पता चला है कि ये न्यू ईयर होता है, और या एक्चुअली ये गुड़ी पड़वा का जो दिन है वो निकल चुका है राइट, बट आज हमारे सेट पे ये सेलिब्रेट करने वाले हैं, और हमारे सेट पे आज शगुन इसलिए इतना ज़्यादा तैयार है क्योंकि उसको लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तो लड़के, तो आप कितने एक्साइटेड एज एन कैरेक्टर की बात करूँ इस चीज़ को लेकर? एज अ कैरेक्टर लड़कियाँ कैसी होती हैं, नर्वस होती हैं थोड़ी सी, ऑब्वियसली मैं थोड़ी नर्वस हूँ कि रिश्ता होगा नहीं होगा, फैमिली के ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेस है, तो बस यही चीज़। क्या कहना चाहेंगे अभी तक का जो आपका रहा है सफ़र, मतलब नया शो है लेकिन कैसा सफ़र रहा, कितना मज़ा आ रहा है शो को करने में? बहुत मज़ा आ रहा है ऑनेस्टली, ऐसा लग नहीं रहा है कि इन लोगों से अभी मिली हूँ, इट्स लाइक अ फैमिली, एंड जो डायरेक्टर हैं हमारे ही इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, पूरा फ्रीडम मिलता है आपको जैसे आपको सीन करना है, जैसे इमोशंस में है सब कुछ, सो इट इज़ वेरी नाइस एंड द प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो काफ़ी शौक है ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या कहना चाहेंगे आपके बिहेवियर, आपका जो ओरिजिनल नेचर है उससे कितना ज़्यादा मिलता है? बिल्कुल भी अलग नहीं है, आई एम लाइक दिस ओनली। मुझे एक्चुअली जो हमारी अनु मैम है उन्होंने मुझे यही बोला था कि जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे तुम रियल लाइफ में हो, जैसी आलिया थी इन ये हम मोहब्बतें, बस वैसे ही रहो, बस लुक थोड़ा चेंज है बाकी एवरीथिंग सेम। तो यही मोहब्बत तो काफ़ी पॉपुलर होता है, ये शो कितना अस्वस्थ है, मतलब कितना पॉजिटिव, कितना आगे सक्सेसफुल होने वाला है ये शो? वी आर गिविंग आवर बेस्ट, बाकी इंशाल्लाह अच्छा होगा सब कुछ, जय माता दी। लुक के बारे में जो है, आज मैंने एक मराठी साड़ी पहनी है, दीदी क्या बोलते हैं, नववारी पहनी है, और मैंने ये नक पहनी है, मुझे नक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं घर लेके जाने वाली हूँ। सो या थैंक यू। गाड़ी में आया हूँ बस कुछ साड़ी वाड़ी लेने, इनके घर तो इनके घर वाले समझ लेते हैं कि मैं इनका होने वाला जमाई हूँ, तो मेरे को अंदर ले जाते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं, तो जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं वापस ले जाता हूँ। ये सर गले गले मिल रहे थे आप लोग, पहना रहे थे? अच्छा वो एक माले में दो जाए, वो तो बाय चांस हो गया, वैसे हुआ, वो गलती से हुआ, ऐसा कुछ वो नहीं, मतलब मैं गुस्से से निकल रहा था, ये मुझे रोकने के लिए आ रही थी, ये गिरी, मैं इसको संभालते संभालते मेरी बाहों में आ गई। अच्छा शो है, अच्छा बना रहे हैं, कुछ कहानी के बारे में, कहानी के बारे में, कहानी ज्यादा बताएंगे तो ऊपर से डंडा पड़ेगा, तुमने सारा कुछ बता दिया, बता नहीं सकते कहानी के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुशी है गिविंग 100%, आज इनके घर पे आए हो, खुशी तो है मुझे, इसको पता है, इनको तो पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इसका घर है, इनके ये गलत घर में घुसे हैं, हां ये गलत घर में घुसे हैं, इनको कहीं और जाना था, गले सही आधे को मिले जी, हां क्या हो रहा है, थैंक यू बहुत स्टार्ट। मैं यहां पे अनय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, ये मेरी बड़ी बहन है और मेरा बहुत अच्छा रोल है, मैं घर में सबसे छोटा होता हूँ, काफ़ी पढ़ा लिखा होता हूँ बट मुझे जॉब नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेट भी रहता हूँ, चीज़ें बहुत अलग होती हैं, इंजॉय करता रहता हूँ, भाई से पैसे लेता रहता हूँ, बहन से लड़ाइयाँ करता रहता हूँ, बट मेरी फैमिली जो है बहुत अच्छी है, एक प्यारी फैमिली है जो बहुत नॉर्मल जीती है, घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है बट हम बहुत प्यार से रहते हैं, और मेरा बेसिकली नाम है अभितेश द्विवेदी, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ, और ये मेरा आज सेट है, शूट चल रहा है। तो ये कहना चाहूँगा कि कितना ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसको लेकर, और अभी तक का सफ़र कैसा रहा है जितना भी आपने रोल? मेरा कैरेक्टर बड़ा मासूम कैरेक्टर है, थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है, फंकी कैरेक्टर है, लव कैरेक्टर है, मेरा जो सीन अट्रैक्ट है कि बाद में मेरी शादी होती है, प्यार होता है, तो मेरा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि यार जल्दी से ये टेलीकास्ट हो, कुछ अच्छा हो, और आई होप आई विश कि ये काफ़ी अच्छा इसमें टीआरपी जाएगा,
लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगे। तो डेब्यू पहले भी कोई शो किया आपने एज एन एक्टर? मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, फैशन शोज़ में बहुत मॉडल में, मॉडल बहुत बड़ा था स्टार्टिंग में, एंड फिर मैंने ऐड किए हैं फ्लेमिंगो हेल्थ, हॉलीडे कीड़ा, मेक माई ट्री, मैंने 3 मूवी की है अब्बास मस्तान के साथ, एंड अभी रानी एंड रॉकी की थी मैंने, और अभी रोला किया था मैंने मिकी कौशल के साथ। तो छोटा मोटा करेक्टर करता रहता हूँ, बट अभी मेरे लिए बहुत अच्छा सीन हुआ कि एक साल मैं अभी इसी में बुक हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। जानना चाहूँगा गुड़ी पड़वा का शूट हुआ है, कितने एक्साइटेड हैं शूट को लेकर? अभी तो स्टार्ट हो रहा है मेरा, अभी शूट लगा नहीं है, पहले उनका हो चुका है शायद। एक्साइटेड तो बहुत है क्योंकि वैसे भी ये न्यू ईयर है, राइट, महाराष्ट्र का न्यू ईयर है, और देखिए कैसा लगता है शूट। तो अभी तक का सफर कैसा रहा, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके बारे में बताइए कि वो कैरेक्टर आपके पर्सनल जैसे आप हैं कितना मेल खाता है? सेम मेरा कैरेक्टर, जैसे मैं अपनी बहन के साथ हूँ मैं वैसा ही हूँ, और शगुन मेरी बहन बनी है बड़ी, मैं युग का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और बहुत ही प्यार है दोनों में, एक दूसरे के लिए हर चीज़ करते हैं। जो बहन है उसने अपने भाई के लिए ही करा है सब चीज़ बचपन से लेकर आज तक, उसने मैंने कुछ नहीं सोचा, तो एक इमोशनल जर्नी है ये, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पसंद आएगा आगे चल। दंगल टीवी जितने सेट के लोग हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जितने आर्टिस्ट हैं, कैसा इक्वेशन रहा अभी तक कैसा सर? डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, और कुंदन सर का तो जवाब नहीं, कुंदन सर पहले भी काम करा है मैंने, और इज़ अ जैम ऑफ अ पर्सन, और दंगल भी एक अच्छा चैनल आ रहा है उनके, मेरे को लगता है कि ऐसा और इस शो से और आगे बढ़ेगा, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग देखें और उसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।